अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ी से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं रो इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ SSR को चेक करने का तरीका शेयर करेंगे कि SSR को अगर ख़राब हो तो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास 3 SSR मौजूद हैं, जिनमें से 2 SSR बिल्कुल ठीक हैं और 1 SSR ख़राब है। दोस्तों ये 40 एम्पेयर की SSR है और ये वाली 25 एम्पेयर की है, और जो तीसरी SSR हमारे पास है वो भी 40 एम्पेयर की है। इसकी मुकम्मल डिटेल पर एक वीडियो में बना चुका हूँ, जो कि आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा स्क्रीन पर। इसके अलावा दोस्तों SSR क्यों शार्ट होती है वो भी आपको मैं बताऊंगा। पहले हम SSR को चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास एक मीटर है, पहले हम मीटर से चेक करेंगे। मीटर को हमने ओम्स पे सेट कर लेना है। तो सबसे पहले हम ये वाली SSR चेक करते हैं। तो अगर तो दोस्तों ये ओम्स का जो मीटर हमने ओम पर सेट किया, अगर इसकी कंटिन्यूटी बीप करती है तो वो वाली SSR हमारी ख़राब होगी। तो ये देखें, यहाँ पर बीप नहीं कर रहा, कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये SSR बिल्कुल ठीक है। ये वाली देखें शार्ट है SSR, क्योंकि ये कंटिन्यूटी शो कर रही है, ये पॉइंट्स आपस में शार्ट हो चुके हैं, ये SSR ख़राब हो चुकी है। और ये वाइट वाली SSR दोस्तों ये भी बिल्कुल ठीक है, और जो ब्लैक में से एक दरमियान वाली है ये ख़राब है, ये शार्ट हो चुके हैं इसके पॉइंट्स आपस में। दोस्तों हमने आउटपुट के पॉइंट चेक करने हैं, इनपुट के नहीं करने। जहाँ पर इनपुट DC लिखा हुआ होगा वो पॉइंट्स हमने चेक नहीं करने, जो इसकी आउटपुट के पॉइंट होंगे वो हमने चेक करने हैं। अभी मैं आपको सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें ये वाले अभी टेस्ट लैंप ऑन होगा, और यहाँ देखें यहाँ पर आपको शो हो रहा है ये टेस्ट लैंप ऑन हो रहा है, इसका मतलब ये वाले पॉइंट चार्ट है। और ये बाकी दो भी चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है, और ये वाली जो वाइट वाली है ये भी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों SSR शार्ट इसलिए होती है, अगर तो हमने SSR के थ्रू फेज इस्तेमाल किया है, फेज़ बॉडी के साथ शार्ट हो जाता है, किसी लोहे की बॉडी के साथ इंसुलेशन उतरकर टच हो जाता है तो SSR शार्ट हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल और फेज़ भी आपस में, जो चीज़ हम इसके आउटपुट से चला रहे हैं, अगर न्यूट्रल और फेज़ वायर आपस में जुड़ जाते हैं तो भी SSR शार्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक पहुँच सके।